सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल व स्वस्थ होंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए नई कथा व जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी विशेष कथा व जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए शीतला माता की कथा को लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा होली के त्योहार के बाद अष्टमी तिथि पर की जाती है। इसे शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं शीतला माता की कथा व पूजा के बारे में विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली के पर्व के 8 दिन बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता शीतला की पूजा होती है, जिसे बसोड़ा पूजा या शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। ज्यादातर यह तिथि होली के 8 दिन बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग शीतला अष्टमी होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मना लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस अष्टमी पर माता शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्य भरा जीवन प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन माता शीतला की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कथा पढ़ने का भी अपना ही एक विधान है। आइए जानते हैं क्या है शीतला माता के अनुष्ठान से जुड़ी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, बेटे भी अभी छोटे ही हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर बाहर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर भोजन कर लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में ही लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं, तो उन्हें अपने बच्चे मृत पाए गए। ऐसी बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण यह सब हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांट लगाई। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पुनः पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुए हो गए थे। बहुओं को थकान हो गई थी और इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाल दी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारी मस्तक को शीतल कर दिया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिने हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है।
शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन को ग्रहण किया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर माता प्रसन्न हो गईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ आनंद से पुनः गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता ने दर्शन दिए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर करें माँ। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य काया प्रदान करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।